हाय वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। और आप सबके लिए गुड न्यूज है, अभी रिसेंटली सीएमए कैंपस प्लेसमेंट हुआ था और मोर देन 50 स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन किया था उनका कैंपस में सिलेक्शन हुआ है। और इस बार सीएमए कैंपस प्लेसमेंट में सबसे हाईएस्ट पैकेज 19 लाख रुपीज का था जो गेल इंडिया ने ऑफर किया था और मेरे एक स्टूडेंट्स को 19 लाख का पैकेज भी मिला है। और अभी तक 80 प्लस स्टूडेंट्स ने कैंपस प्लस ऑफ कैंपस में जॉब सिक्योर कर ली है जिन्होंने मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन किया है। आज 15 मई है और आज के दिन 4 बच्चों ने सिटको में जॉब सिक्योर किया है कोलकाता कैंपस में और 3-4 बच्चे ने ऑफ कैंपस में भी जॉब सिक्योर किया है। तो मैं ये चेक कर रहा था लिंक्डइन पे, बहुत सारे बच्चे ने ये पोस्ट डाला है, आई एम लुकिंग फॉर जॉब, यू हैव एनी अपॉर्चुनिटी प्लीज लेट मी नो। बहुत सारे बच्चे पक चुके हैं, थक चुके हैं अप्लाइड बटन पे क्लिक कर करके। लिंक्डइन हो या Naukri.com, अगर आप भी ऐसे फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, 1 महीने हो चुके हैं, 2 महीने हो चुके हैं सीएमए का रिजल्ट आए हुए और कैंपस का भी। जैसा अगर मैं बात करूँ, दिल्ली कैंपस सबसे फर्स्ट में था। ऑलमोस्ट जिन्होंने दिल्ली कैंपस में गए थे उनका 1 मंथ से ऊपर हो चुका है कैंपस को ओवर हुए हुए। और आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको चैलेंजेज आ रही है, आपको कोई कॉल्स नहीं आ रहे, इंटरव्यूज नहीं आ रहे, तो आप बिल्कुल राइट वीडियो पे हो। इस वीडियो में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। और पहले मैं चीजें बताने से पहले मैं आपको सोशल प्रूफ दिखाना चाह रहा हूँ कि ऐसे नहीं कि मैं आया और हवा में बात कर रहा हूँ और मैं आपसे बस और आपको मैं बोल रहा हूँ मेरे 80 बच्चे हो गए, लेकिन 80 बच्चे हैं कहाँ। तो मेरे पास अभी कुछ बच्चों की लिस्ट है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ चीजों को स्टार्ट करने से पहले। लेट्स सी, ये है मेरे लास्ट कैंपस की। अगर मैं पिछले कैंपस के बारे में बात करूँ, पिछले कैंपस में भी मेरे 40 प्लस बच्चे ऑलमोस्ट इंटरव्यू एंड जॉब सिक्योर किए थे। अगर मैं इसको मैं प्ले करके आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। जस्ट प्ले, ये आपको दिख रहा होगा। सो ये आप देख सकते हो, ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। लास्ट कैंपस में वेदांता में मल्टीपल स्टूडेंट्स ने जॉब सिक्योर किया जो लास्ट कैंपस में मुझे ज्वाइन किए थे। आईटीसी वेदांता आईटीसी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ। और एनबीसीसी, कोका कोला, टीपीएम, जेनपैक, नारायणा हेल्थ केयर। ओके, कुछ ऑफ कैंपस में थे, फिर कैंपस, फिर ऑफ कैंपस, कैंपस ऑफ कैंपस, ऐसे मल्टीपल सिलेक्शन थे लास्ट कैंपस में अपने पास। ये सारे स्टूडेंट्स हैं, ये फंड अकाउंटेंट हैं, कैप्चमिनी हैं, लाइक ये सारा अपना सिलेक्शन था लास्ट कैंपस का। अगर मैं करंट कैंपस के बारे में अगर आपसे बात करूं तो करंट कैंपस का भी कैंपस पूरा खत्म नहीं हुआ है और मैं आपको लिस्ट दिखाना चाहता हूं। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरे इतने सारे बच्चे अभी तक ऑफर सिक्योर कर चुके हैं। और जो बच्चे कैंपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें ऑलरेडी पता होगा सीएमए रोहन शर्मा सर के हर एक लोकेशन पे कम से कम 30-40 स्टूडेंट तो हैं हर एक लोकेशन में जो कैंपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक मैंने एआई जनरेटेड पिक्चर बनाया उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ऑफर रिसीव किया है। तो ये सारे स्टूडेंट विथ स्माइलिंग फेस ऑफर लेटर के साथ है। तो ये एक मेरा थोड़ा था। ये देखो, कलपतरू में बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, सारे लोकेशन पे आई थी ऑलमोस्ट। तो ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी जॉब सिक्योर किया है। वेदांता में ऑफ कैंपस सेंचर मल्टीपल ऑफर्स है सेंचर का अपने पास। कलपतरू का भी मल्टीपल ऑफर्स है, सेंचर डिफरेंट डिफरेंट जॉब प्रोफाइल है। और गेल इंडिया इस बार हाईएस्ट पैकेज था गेल इंडिया का 19 लाख का। तो अमित ने गेल इंडिया में हाईएस्ट पैकेज सिक्योर किया है 19 लाख का। अभी जल्द इन सबकी स्टोरीज भी आने वाली है। WNS का है, फिर ये ऑफ कैंपस है, ये कैंपस का, फिर से नाफेड में मुंबई कैंपस से सिर्फ 2 सिलेक्शन था, दोनों ही अपने स्टूडेंट्स थे। तो ऐसे मल्टीपल स्टूडेंट्स अपने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में जॉब ऑफर सिक्योर किए हैं। LNT में भी मल्टीपल स्टूडेंट्स इस बार गए। ओके, ONGC विदेश भी आई थी कैंपस में, 3 बच्चे अपने ONGC विदेश में गए। तो देखो, 1-2 सिलेक्शन होता है तो समझ में आता है, बट ये आपके सामने एटलीस्ट 50 बच्चों की स्टोरी है। आप सबका नेम भी मेंशन है, आप किसी को भी जाके आप पूछ सकते हो। मैं कोई फेक इन्फॉर्मेशन क्लेम नहीं करता। ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मैंने 2 महीने जम के मेहनत किया है और उन्होंने भी किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा कंट्रीब्यूशन है। जब तक स्टूडेंट खुद से नहीं चाहेगा तब तक मैं कितना भी चालू कुछ भी नहीं बदलने वाला। स्टूडेंट्स ने भी उतना ही एफर्ट किया जितना किसी टीचर ने एफर्ट किया है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए 24/7 अवेलेबल रहता हूँ कि मैं उन्हें हमेशा हेल्प एंड सपोर्ट कर सकूँ। वो भी कहीं ना कहीं रीजन ये ऑफ कैंपस में PwC में ऑफर सिक्योर किया था, ओरेकल कंसल्टेंट फोर्ड में है, ओके, शार्प एंड टेनम एक इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल के लिए आई थी, काफी सारे बच्चों का यहाँ भी सिलेक्शन हुआ है, ये ऑफ कैंपस में सिलेक्शन हुआ है। ऐसे मल्टीपल स्टोरीज है, अपने पास स्टोरीज की कमी नहीं है। अभी मैं इसमें सीटको में आज 4 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो आज उनकी भी इसमें ऐड करनी है। 3 बच्चे आज ऑफ कैंपस में सिक्योर किए हैं, उनकी भी स्टोरी इसमें ऐड करनी है। तो अगर मैं सारे स्टोरी जब मैं धीरे धीरे ऐड कर लूंगा, और सबकी रियल स्टोरी भी आने वाली है, सिर्फ अभी फोटोज आप देख रहे हो, ये सारी स्टोरीज भी आपके पास आने वाली है। बिकॉज मैं चाहता हूँ आप सब अपनी लाइफ में एक स्टोरी बनो, एक इंस्पिरेशन बनो, एक मोटिवेशन का सोर्स बनो किसी के लिए, जो आज मैं इन सारे बच्चों के लिए बना हूं। और इन सारे बच्चों को मैंने इतनी अच्छी हेल्प सपोर्ट की है कि उन्होंने अपने जॉब ऑफर सब सिक्योर किया है। और इसी मिशन और विजन के साथ मैं फिर से आप सबके लिए कुछ नया लेके आया हूँ। मैंने स्पेशली कोर्स ड्राफ्ट किया है ऑफ कैंपस के लिए, बिकॉज कैंपस में आपको कंपनीज लिमिटेड होती है, आपको जॉब प्रोफाइल लिमिटेड होता है, कुछ भी से डिसाइड नहीं कर सकते, जो भी आपको मिल रहा है आपको लेना होता है। दैट इज द कैंपस अप्रोच। ऑफ कैंपस में आप डिसाइड कर सकते हो आप किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, किन कंपनीज में जाना चाहते हो, किस जॉब प्रोफाइल पे जाना चाहते हो। बट कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में भी मिस्टेक करते हैं, उन्हें राइट इंडस्ट्री या राइट जॉब प्रोफाइल नहीं मिलती, और बाद में उनको प्रॉब्लम्स चैलेंजेज आते हैं। कहीं किसी को सैलरी पैकेज अच्छा नहीं मिलता आफ्टर 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, किसी को अच्छा एक्सपोजर नहीं मिलता। तो मैंने आप सबके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, जिसके लिए आप मेरा पेज आप देख सकते हो, कैरियर सक्सेस लॉन्च पैड। और कैरियर सक्सेस लॉन्च पैड का ऑब्जेक्टिव ही है ये, सारे सीएमए स्टूडेंट्स की कैरियर को हम यहाँ से लॉन्च करें, और ऐसा लॉन्च करें कि रॉकेट वो सिर्फ ऊपर ही जाए और वो जिंदगी में सारे मुकाम को हासिल करे। ये मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, मिशन है, विजन है, और जिसको लेके मैं कंप्लीट डेडिकेटेड हूँ। इसलिए कैंपस मेरा वन ऑफ द मोस्ट लाइक डिजायर बोल सकता हूँ, और लाइक मेरा एक तरीके से खुद का एक मोटो था कि कैंपस में सिलेक्शन होना चाहिए। मेरा खुद का कैंपस ऑफर नहीं था, और मुझे ऐसा लगता था यार कैंपस में ऑफर नहीं है, शायद जिंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा। बट मैंने ऑफ कैंपस से बहुत सारी चीजें हासिल की है, और लाइफ में वो सारी चीजें हुई हैं। मैं आपको इन शॉर्ट अगर कुछ दिखाऊं भी, अभी रिसेंटली मैंने एक SAP का सर्टिफिकेशन, ग्लोबल सर्टिफिकेशन एग्जाम भी कंप्लीट किया है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने अभी रिसेंटली SAP का ग्लोबल सर्टिफिकेशन एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो ये भी, और मैं आप सबको पता है मैं SAP सर्टिफाइड हूँ, अब ऑफिशियली SAP सर्टिफाइड हूँ, और ये लाइसेंस अभी 1 ईयर के लिए मेरे पास वैलिड है। तो आपको सामने दिख रहा है। और अभी मैं AI के ऊपर भी मैं सर्टिफिकेशन लेने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ तक। पूरा मेरा फोर्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ, लाइक अपना कंप्लीट डेडिकेशन दे रहा हूँ कि मैं AI सर्टिफाइड भी हूँ। बिकॉज CMA प्रोफेशन में टेक्नोलॉजी के साथ इतनी सारी चीजें करने वाले बहुत रेयर मुझे लगता है कोई है जो कर रहा है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स भी इन सारे टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ले, और अपनी अच्छी अच्छी कंपनीज में जॉब ऑफर सिक्योर करें, मल्टीपल ऑफर साथ में लेके आए, कि उन्हें वो चैलेंजेस ना फेस करना पड़े कि कल को कोई आगे यार CMA की तो जॉब ही नहीं लगती। वो जॉब उनकी नहीं लगती जिन्हें पता नहीं कि जॉब लेना कैसा है। नहीं तो आपके सामने इतनी सारी स्टोरीज मैंने रख दी, कम से कम 80-90 बच्चों की तो स्टोरी अभी आपके सामने मैंने रख दी। इन सारे बच्चों ने ऑफर लिया है, और 1-2 का तुक्का हो सकता है, 80-90 बच्चों का ऑफर लेना कोई तुक्का नहीं हो सकता, कैंपस में या ऑफ कैंपस में भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके लिए क्या चीजें हैं। अगर आप और डिटेल से अगर आप चाहते हो चीजों के बारे में जानना और मेरे बारे में जानना, आप मेरे गूगल पेज पे जा सकते हो, कैरियर सक्सेस लॉन्च पैड। आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मेरा पेज दिखेगा। इसमें भी आप देख सकते हो 109 गूगल रिव्यूज है, और ये 4.9 रेटिंग के साथ, और ये सारे रिसेंटली क्वालिफाइड CMAs है जिन्होंने रेटिंग दिया है। अगर आप यहाँ पे आओगे आप सारी कुछ आप पढ़ सकते हो। इन सारे बच्चे ऑलरेडी लिंक्डइन पे अवेलेबल है, तो कोई फेक नहीं है, सारा कुछ 100% ओरिजिनल है। मैं कभी भी कोई फेक चीजें करना ही नहीं पसंद करता। ठीक है, मेरे में क्वालिटी है तो मुझे लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, क्वालिटी नहीं होगी तो मैं कोई रिकॉग्नाइज कोई मुझे नहीं कर सकता है, चाहे मैं कितना भी कुछ कर लूँ। तो आप ये देख सकते हो, आप यहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो इन सारे फीडबैक्स को, और आप और ज्यादा इन डिटेल आप मेरे बारे में आप पता कर सकते हो। बात करते हैं मैं आपके लिए क्या चीजें लेके आ रहा हूँ। तो आपको कोर्स सेक्शन में आना है। कोर्स सेक्शन में मैंने आपके लिए कोर्स डिजाइन किया है ऑफ कैंपस के लिए। देखो ऑफ कैंपस में जब आप आते हो सबसे पहले राइट इंडस्ट्री आपको डिसाइड करने आनी चाहिए, सही इंडस्ट्री क्या क्या है। तो मैंने प्रॉपर 20+ इंडस्ट्रीज के प्रो कॉन्स क्या क्या है, उनके ग्रोथ क्या है, उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या है, उनकी नेट प्रॉफिट कितनी है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इन इंडस्ट्रीज में सैलरी पैकेज कैसा मिलेगा आपको। सारी चीजें मैंने कवर की है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एवरीथिंग। पहले इंडस्ट्री को हमने फोकस किया, हम कंपनी पे गए नहीं। देन इंडस्ट्री के बाद वो कंपनी आती है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि वो उस इंडस्ट्री के टॉप 5 या 10 कंपनीज कौन सी है जिसमें आपको जॉब करने जाना चाहिए। मैं हमेशा बड़ी चीजों की बात करता हूँ, छोटी चीजें मैं नहीं चाहता ज्यादा चीजें करना, बिकॉज जब आप बिग कंपनीज में बिग कॉर्पोरेट्स में काम करते हो आपको हमेशा रिकॉग्निशन ज्यादा मिलता है, आपके रिज्यूम में उस कंपनी का वेटेज बहुत ऐड ऑन होता है, ठीक है। इसलिए मैं जब आप इंटर्नशिप के लिए भी जाते हो तो मैं हमेशा आपको बिग ऑर्गेनाइजेशन ही सजेस्ट करता हूँ, बिकॉज वो एक गुडविल, वेटेज, माइंड थॉट एवरीथिंग चेंज होता है लोगों का उन सारी चीजों से। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। प्लस अगर आप बोनस पार्ट में आप यहाँ पे देखोगे मैंने डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स भी कवर किया है। देखो ऑफ कैंपस इतना इजी नहीं है। सबसे पहले आपको समझना है क्या इंडस्ट्री है, क्या क्या कंपनीज है, क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स है। बहुत बच्चों को पता ही नहीं कि R2R क्या है, P2P क्या है, O2C क्या है, SAP कंसल्टेंट की प्रोफाइल क्या है, ओरेकल कंसल्टेंट की प्रोफाइल क्या है, CFM एनालिस्ट की प्रोफाइल क्या है, फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या होता है, एपीएन एनालिस्ट क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोलर क्या होता है, कॉस्ट एनालिस्ट क्या होता है। मतलब इतने सारे जॉब प्रोफाइल से स्टूडेंट को पता नहीं है। कोई भी ऑफर आया हाथ में 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख का पैकेज है, उनका ज्वाइन कर लिया क्या चलो ऑफर आ गया ज्वाइन कर लिया। ऐसी जिंदगी नहीं चलेगी, आपको एक प्रॉपर रोड मैप के साथ जाना पड़ेगा। आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, भले मेरी स्टार्टिंग बहुत रेयर थी, बहुत कम से था, बट मेरे पास एक प्रॉपर रोड मैप था। रोड मैप बनाना बहुत जरूरी है। तो हम आपको रोड मैप देने वाले हैं कि आपको क्या करना है, आपको ब्लूप्रिंट आपको तैयार करके हम आपको देंगे और आपको एक कंप्लीट क्लियरिटी मिल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। आपको 1000+ इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉस्टिंग, और सबसे मजे की बात बताऊं मेरे जो कंटेंट है 100% ओरिजिनल है। किसी भी बुक से, किसी भी नोट से एक सिंगल वर्ड भी कॉपी पेस्ट मैंने नहीं किया है। अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्ट मैच मिल जाएगा तो मैं आपको 100% आपकी मनी में रिफंड कर सकता हूँ, ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बुक को 100% ओरिजिनल बनाया है, रियलिस्टिक बनाया है और ऐसा बनाया कि स्टूडेंट इसको एडॉप्ट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। क्योंकि बुक की लैंग्वेज होगी तो कोई नहीं पढ़ना चाहेगा और इंटरव्यू में आप बता भी नहीं सकते हो। तो ये सारे जो बुक्स है केस स्टडी, इंटरव्यू ओरिएंटेड विथ मल्टीपल एग्जाम्पल्स, कि आप इंटरव्यूअर को भी आप चीजें आप एक्सप्लेन कर सको। आपको सिर्फ सीधे पढ़ना और समझना नहीं है, आपको एक्सप्लेन करना भी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सारे बुक्स। हम AI बंडल भी कवर करने वाले। आप सबको पता है AI वर्ल्ड आ चुका है, तो AI के बहुत सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी हैं जो आपको जॉब सर्च में हेल्प कर सकती है। सारी चीजें बताऊंगा और आपको भी, जैसे अभी मैंने दिखाया मैं SAP सर्टिफाइड हूँ, तो मैं कुछ आपको SAP की सेशंस दूंगा जिससे आपको किसी भी कंपनी में जाओ, ऑलमोस्ट बिग कंपनी जैसे SAP पे काम करी, तो आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि आप इंटरव्यू के आप क्वेश्चन आंसर आप क्रैक कर। तो ये 4 बोनसेज है आप सबके लिए। देन कोर्स कैरिकुलम भी मैं आपको बताऊं तो वो सारी चीजें, सबसे पहले तो आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिलने वाली है, अनलिमिटेड व्यूज मिलने वाला इस कोर्स का, ठीक है। आपकी एक कम्युनिटी होगी, प्लस आपको 1-to-1 सपोर्ट मिलेगा मेरे साइड से जो आप सिलेक्शन तक रहेगा। तो आप हमेशा मेरे साथ हो। हम सबसे पहले फाउंडेशन क्रिएट करेंगे, कैरियर पाथ बनाएंगे आपके लिए। पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर हम जैसे रिज्यूम ड्राफ्टिंग हो गया, नौकरी प्रोफाइल हो गया, लिंक्डइन प्रोफाइल हो गया, ये सारी चीजें हम क्रिएट करेंगे। देन आपको नेटवर्किंग कैसे करना है वो सारी चीजें बताएंगे, बिकॉज नेटवर्क इज योर नेटवर्थ और ये किसी को नहीं पता कि नेटवर्क इज नेटवर्थ। मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता है नेटवर्किंग कैसे करते हैं और इसलिए उन्हें कुछ अच्छा उनके साथ होता नहीं। आज के डेट में अगर मैं पर्सनली नेटवर्किंग बताऊं तो मेरा ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा जहां पे मेरे नेटवर्क नहीं होंगे। स्टूडेंट से लेके फैकल्टी से लेके हर एक स्टेट में है। अभी करंट बैच में बताऊं मैं आपको 160 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, वो सारे स्टेट्स ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिए 160 स्टूडेंट्स में। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का किसी भी स्टेट में सिलेक्शन होता है तो वहां पे कोई है जो इसको सपोर्ट कर सकता है। सिर्फ जस्ट मुझे एक बार बता देना है कि हाँ ये मेरा स्टूडेंट है, इसका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है, जस्ट यू नीड टू सपोर्ट हिम, सपोर्ट करेगा, ओके। तो ये सारी क्वालिटी है। इंटरव्यू के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, बिफोर इंटरव्यू क्या करना है, ड्यूरिंग क्या करना है, आफ्टर इंटरव्यू क्या करना है, इंटरव्यू के एटिकेट्स क्या क्या है, ईमेल एटिकेट्स क्या क्या है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब ये सारा कोर्स मैं आपको बताऊं कम से कम 50 आवर्स का तो ये होने वाला है, 50 आवर्स से नीचे कहीं नहीं गया। ओके, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एचआर, सैलरी नेगोशिएशन, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे आपको एक प्रॉपर आइडिया लगेगा। मैं आपका मॉक इंटरव्यू लूंगा जिसमें मैं आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका टोन, एवरीथिंग के ऊपर हम काम करने वाले हैं। देखो कैंपस में इतना ऑफर इसलिए मिला है क्योंकि मैंने कम्प्लीटली उनके साथ उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके टोन, उनके बोलने का तरीका, उनके स्पीकिंग, सब चीजें के ऊपर मैंने काम किया और जिसके बेसिस पे उनका सिलेक्शन हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हो आपको सारे बुक बंडल्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा और भी बुक बंडल्स इसमें ऐड होंगे। अभी मैंने जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉस्टिंग, ऑडिट, अकाउंट्स, इंडेस के मैंने बुक्स ऐड किए हैं और आपको यही मटेरियल्स आपको फॉलो करने हैं। आपको कोई भी बुक का कोई भी मटेरियल्स आपको फॉलो नहीं करने, जो भी मैं आपको मटेरियल दे रहा हूँ आपको वही फॉलो करना है। जो मेरा पूरा कोर्स है वो एल्गोरिदम के ऊपर डिजाइन है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि हम एआई वर्ल्ड में हैं, मैं सारे एआई टूल्स यूज करने वाला हूँ ड्यूरिंग द कोर्स। तो आप कम से कम 20+ आप एआई टूल्स भी आप सीखोगे जो आप पर डे 2 आवर्स मिनिमम सेव करने वाला है। जितने भी आप एआई टूल्स आप मेरे से सीखोगे। अगर आप नहीं जानते हो, मैंने ऑलरेडी सीएमए इंस्टीट्यूट में मैं आपको दिखाऊँ, आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये सेशन मेरा था ओरिएंटेशन का जो कि मैंने एआई के ऊपर लिया था। इसके अलावा मैंने ChatGPT फॉर MSME हेड ऑफिस का सेशन है वो भी मैंने एआई के ऊपर लिया है। और इससे पहले भी जो कैंपस हुआ था उसमें भी मैंने एआई के ऊपर सेशन लिए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे N.D. गुप्ता सर जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनसे मुझे अवार्ड भी मिल रहा है। और विमल जैन सर जीएसटी एक्सपर्ट है, इनसे भी मुझे अवार्ड मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारे अवार्ड रिकॉग्निशन मिले हैं। ये भी मुझे एक अवार्ड मिला है जो कि सिद्धार्थ राजशेखर, आप सर्च कर सकते हो, कोर्स क्रिएटर है, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया है फॉर बेस्ट। लाइक मैंने काफी अच्छा कोर्स अपने कम्युनिटी में क्रिएट किया है जिसके लिए और जिस काफी रिजल्ट ओरिएंटेड है जो सबसे बड़ी बात है, तो इसलिए मुझे ये अवार्ड दिया गया है। तो ऐसे मल्टीपल अवार्ड्स भी मुझे मिले हैं और रिकॉग्निशन मिला है। ये कुछ मैंने अपने स्टूडेंट्स के यहाँ पे फोटोज ऐड किए हैं जिनका अभी रिसेंटली CMA क्वालिफाई किए थे और ऑफ कैंपस में सिलेक्शन भी हुआ है, सेंचर में और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में। तो ये जो एल्गोरिदम कैसे काम करता है, आपको सही कीवर्ड्स कैसे ऐड करना है, सही जॉब प्रोफाइल कैसे सर्च करनी है, निगोशिएशन कैसे करनी है, वो सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे जिससे आप किसी भी अच्छी कंपनी में आप इजीली आप जॉब सिक्योर कर सकते हो। आप नहीं चाहते हो अपना टाइम वेस्ट करना, आप चाहते हो कि ऐसी मेथड और फिलॉसफी आपको मिले जिससे आप इजीली आप किसी कंपनी में आप जा सकते हो। तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म, ये कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। ये कोर्स लाइव प्लस रिकॉर्डेड मोड में चलेगी। कुछ क्लासेस लाइव होगी, कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी। लाइव क्लासेस या तो अर्ली मॉर्निंग हो सकती है, सुबह 8 से लेके 9:30 का, या फिर इवनिंग में रात को 9 बजे से लेके 11 या 12 बजे की आपकी डेली की क्लासेज हो सकती है। जो भी टाइम फिक्स होगा मैं आपको बता दूंगा। आप चाहते हो अपने लाइफ को बूस्ट करना और नहीं चाहते हो कि यार एक ऑर्डिनरी आप किसी फॉर्म में आप काम करो या फिर आप ऐसी जॉब में जाओ जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको नहीं पता कि आपके लिए कौन सी प्रोफाइल बेस्ट है, आपको कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, तो आप डेफिनेटली आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके आप हमारा कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। कोर्स की प्राइजिंग अभी जो है 2999 है, तो कोर्स की प्राइजिंग अभी डिस्काउंटेड है। For first 50 students, after that the price will goes up by 5000 because इसके अंदर हम बहुत चीजें कवर करने वाले हैं। हम एक्सेल को भी हम कवर करेंगे। अप्रोक्स 5 आवर्स की आपकी एक्सेल लर्निंग होगी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, SAP की लर्निंग होगी आपकी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड डिफरेंट अदर स्किल्स को भी हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत बड़ा कोर्स बंडल है। आपने जितनी चीजें नहीं सोची होगी आप उससे ज्यादा आप इस कोर्स के अंदर आप सीखने वाले हो। अगर मैं इसकी वर्थ बताऊं इस कोर्स की, तो 20,000 कम से कम इस कोर्स की वर्थ है, जो कि मैं आपको जिस 3,000 में ऑफर कर रहा हूँ। बिकॉज मेरा मोटो अपनी कम्युनिटी को सर्व करने का, इसलिए बहुत मिनिमम प्राइस के ऊपर मैं अपने कोर्सेज को मैं लॉन्च करता हूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई वॉन्ट टू सी यू सून इनसाइड माई कोर्स। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।